ऑपरेशन का एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है, उसके मुताबिक नहीं दिया गया। एक टाइम इंक्रीज दिया गया है, वो जो दिया गया है वो वन रैंक वन पेंशन नहीं है। अभी मोदी साहब ने माना है कि हमने नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो हमें 869 दिन भूख हड़ताल पे क्यों रखा, ये सवाल है। और उन्होंने गुरेज में माना है। और उसका एक अगर पूछते हैं क्या फर्क है, एक सिपाही जो 17 साल की नौकरी करके वापस आता है, उसको जो पहले 2016 से रिटायरी है उनको 4,296 रुपए कम मिलेंगे प्रतिमाह, और एक विधवा सिपाही की उसको 2,548 रुपए प्रतिमाह कम मिलेंगे। देखिए, मैं आज ना कांग्रेस ना बीजेपी, मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूं। पहले नहीं मिला, हम इसीलिए इनका साथ दिया। हम रेवाड़ी गए, इनको जिताया, इनसे पुकार करी, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, ये बात है। हम किसी भी पार्टी के साथ कोई तो यहाँ बोलने के लिए नहीं आया है। हम 28 लाख फौजी और 6.545 लाख विधवा, तकरीबन 35 लाख परिवार, और हम 5 करोड़ हमारे वोट का बैंक है। हम 150 मेंबर पार्लियामेंट की इलेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं, और हम 450 असेंबली की जो इलेक्शन है उनको प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि हम आपको 100 दिन से पहले पहले असली वाली वन रैंक वन पेंशन देंगे, जो उन्होंने नहीं दी है। हम हिमाचल के, हम पूरे देश को अपील करते हैं, हम अपनी देवभूमि के सभी लोगों से ये हम एक पुकार देते हैं कि हमें वो सरकारें लाओ जो मेरे भारत को असली भारत बनाए, जो मेरे भारत को वो भारत बनाए जो वेदों में लिखा है, जो देवों ने लिखा है। हमारे ऐसे तो कौशले वाले लोग को मत लाओ जो हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, वोट की दलाली करते हैं, उनको मत लाओ। मेरा यही पुकार है, मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। जो 2.5 साल से सभी लोगों को झूठ बोलते फिरते हैं कि वन रैंक वन पेंशन लागू कर दी है, और अब गुरेज में जाकर मानते हैं कि वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं की है, तो ऐसे झूठे लोगों को कभी सत्ता के नजदीक भी आने ना दे।